हम लोग हर रोज़ इस टावर की तस्वीर देखते हैं, मतलब क्लॉक टावर की। और कभी सोचा है कि ये अंदर से कैसा होगा? चलें आज की वीडियो में हम लोग जाके देखते हैं अंदर से कैसा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद। ये हम लोग मस्जिदुल हराम से निकल के जा रहे हैं सीधा जमजम टावर में। अभी मगरिब के बाद का टाइम है, माशाल्लाह सफाई हो रही है। ये वाली मेन एंट्रेंस है जमजम टावर की। यहाँ पर टोटल 7 टावर्स हैं, एक क्लॉक टावर जो बीच वाला है और 3 दाएं और बाएं टावर्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको 11वीं मंजिल पे जाना पड़ता है इस तरफ से होके। अगर आपने जाना हो किसी भी होटल में इन 7 होटल्स में से, ये सब यहाँ पर एलिवेटर्स बने हुए हैं। आप इनके ज़रिए यहाँ पर, अगर आप जमजम टावर में रहते हैं तो इनके ज़रिए अपने अपने होटल तक जा सकते हैं। यहाँ पर होटल्स के अलावा ऐसे ही समझें कि ये मॉल है पूरा। यहाँ पर सब हदाया की दुकानें, ये देखें, हदिया की दुकान और परफ्यूम्स की दुकानें, हर चीज़ सुपरमार्केट है। यहाँ पर बहुत कुछ है, जो मर्ज़ी आप लेना चाहें। यहाँ पर जैसे ये एक ऐसे ही बना हुआ है परफ्यूम शॉप है, देख रहे हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। इस तरह के ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ मच दिस? 70 रिया। एंड दिस वन? 80 रिया। ये देखें, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं इसके ऊपर। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ घड़ी है। इस तरह के कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं यहाँ पर, आइकॉनिक गिफ्ट्स। ज़्यादातर यहाँ पर गिफ्ट शॉप्स वगैरह ही हैं। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या मिलता है। परफ्यूम शॉप है यहाँ पर, गिफ्ट शॉप है, जियोर्डानो कपड़ों की दुकान। यहाँ पर गिफ्ट शॉप्स वगैरह हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक। उसके बाद फिर ऊपर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो मैं अब जाता हूँ 3rd और 4th फ्लोर पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर। मैं जाता हूँ जाके कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ, क्योंकि अभी इफ्तार करके हरम से निकला हूँ। तो वहाँ पर जाके कॉफ़ी भी पीता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। फ़िलहाल मैं लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। कॉफ़ी शॉप पता नहीं इस फ्लोर पे मिलेगी या नहीं, मैं अभी 3rd फ्लोर पे हूँ। और ये देख लें आप, यहाँ पर भी हैं, दूसरी शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। और ये ऊपर से नीचे के मनाजिर, ये लिफ्ट जा रही है। अब राज एवेन्यू, अब इसके अंदर जाते हैं। काफ़ी कुछ दूर से अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है मुझे। आई लव मक्का, खूबसूरत लिखा हुआ है माशाल्लाह। ये एक शॉप थी यहाँ पर इसके अंदर, जिसके अंदर ये सब हर चीज़ मिलती है एक ही जगह पे। उसके अलावा यहाँ पर टेबल्स वगैरह बने हुए हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं। इन टेबल्स के ऊपर 3rd एंड 4th फ्लोर के ऊपर यहाँ पे सब टेबल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर फैमिलीज और कोई भी आके इन रेस्टोरेंट से जो भी खाना लेगा इन टेबल्स के ऊपर बैठ के आराम से वो खा सकते हैं। 3rd एंड 4th फ्लोर पे, अभी मैं 4th फ्लोर पे हूँ और आगे देखते हैं कुछ चीज़ें, अगर कोई मज़े की चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा कॉफ़ी ले कर पियेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। ये 4th फ्लोर से खड़े होके अगर आप नीचे देखते हैं तो ये कुछ मनाजिर हैं। ये जो नीचे टेबल्स पर बैठे हैं ये 3rd फ्लोर है। एंड यू कैन सी मेन, यहाँ पर ये हाइपर मार्केट है। यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी इसी एक ही मार्केट से। यहाँ पर खिलौने की शॉप और ये एक हाइपर मार्केट, और ये थोड़ी देर पहले जहाँ पर गए थे हम लोग, अबराज एवेन्यू देख रहे हैं। ये अबराज हाइपर मार्केट, और इससे गुजर के अब जाएंगे हम लोग नीचे, कॉफ़ी पियेंगे कॉफ़ी। वही अबराज हाइपरमार्केट के अंदर है फ्रूट्स, अभी काफ़ी कम लेके आते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है ना।
ज़्यादा विजिटर्स नहीं है अभी, तो इसीलिए 7 रियाल 14 पैसे सही है रेट इनका, इतना भी महंगा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर आके बैंगन कौन पकाएगा यार, अगर आपको जानी मास चाहिए हो तो भी यहाँ पर आके ले सकते हैं आप। जब हम लोग के लिए ये वाली नॉर्मल क्वालिटी की 12 रियाल, और ये नरम वाली ये अच्छी रहती है अगर आप रमज़ान में आते हैं ना, अगर आप रमज़ान में आते हैं मक्का में गुजारते हैं रमज़ानुल मुबारक, तो ये सही रहेगी आपके लिए। नरम वाली तरावी पढ़नी होती है और रात को सलात तहज्जुद, तो ये फिर नरम सही रहती है। अभी ये हम लोग हाइपर मार्केट से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है आई थिंक, इसके ऊपर जैसे ही आए हैं हम लोग चल पड़ा स्टार एवेन्यू। और ये आपका भाई यहाँ पर जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं फास्ट फूड और डोनट्स और साथ साथ कॉफ़ी शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, और एक रेस्टोरेंट मुझे मिला था वो था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, वो भी था वहाँ पर ऊपर एक फैसलाबाद होटल लिखा हुआ था उसके ऊपर। ये ऊपर से खड़े होकर देखें तो कुछ इस तरह का नज़र आता है मॉल, नीचे के मनाजिर, और यहाँ पर हम इस कश्ती वाली एक शॉप से लेंगे हमारी कॉफ़ी। ये यहाँ पर सऊदी अरब में इस तरह की मशीन जगह जगह पे होती है, ये पूरा बर्फ वाला जूस होता है। ये कश्ती पे अगर आपने सफर करना हो तो ये सिलसिला है कश्ती का। आप लोगों में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि जमजम टावर के ऊपर क्लॉक तक क्यों नहीं गया मैं। क्लॉक पे एक म्यूजियम है और वो वाला म्यूज़ियम आजकल बंद है, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से वो म्यूज़ियम बंद है, अभी तक नहीं खुला, जब खुलेगा तब जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से आप आराम से नीचे देख सकते हैं बैठ के और कॉफ़ी पी सकते हैं, जैसे कि मैं ये कॉफ़ी लेके आया हूँ। लेकिन इससे पहले ये बोतल मैंने कैमरे के नीचे रखी हुई है, वो बोतल उठा के उससे पानी पीऊँगा फिर कॉफ़ी पीऊँगा। यार कॉफ़ी वाले का कप बिल्कुल बकवास था, ये ढक्कन इतना लूज़ था कि ये देखें जब मैं पीने लगाऊँ पहला सिप पी तो ये हालत हो गई है आपके भाई की। ये देखें, और आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर ही एंड करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब सुकून से बैठ के मैंने कॉफ़ी पीनी है और उसके बाद फिर मैं कोशिश करूँगा जाऊँगा मस्जिदुल हराम तरावी के लिए। और आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर करें नीचे कॉमेंट्स में, कौन सी जगह आप देखना चाहते हैं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और मज़ीद अगर आप मक्का की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।